नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। पोर्नोग्राफी में राज कुंद्रा गिरफ्तार हो चुके हैं 19 तारीख को। दो घंटे तो उनकी पूछताछ चली और 11 बजे रात में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद ये रातों रात तहलका का विषय बन गया और सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल पे, यही आप सब्जेक्ट ले लीजिए इसी विषय पे, यानी जहां भी देखो राज कुंद्रा, राज कुंद्रा, राज कुंद्रा। सबसे पहले हम आपको तो यही बता देंगे कि राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है, लेकिन दूसरी उनका जो एक मशहूर हुए हैं वो शिल्पा शेट्टी के कारण हुए हैं, क्योंकि जब से शिल्पा शेट्टी से उनकी शादी हुई है वो पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं और लोग उनको एक सफल बिजनेसमैन का ओहदा दिए, नाम दिए, या जो भी आप उनको एक सम्मान दे दीजिए, वो देते रहे हैं, हर लोग देते रहे हैं, क्योंकि उनकी जो छवि बनी राज कुंद्रा की काफी जॉली मूड की, क्योंकि ये छोटी छोटी जो क्या कहते हैं यूट्यूब पे या फिर छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी शिल्पा शेट्टी, जो हम लोग देखते थे काफी अच्छा लगता था, काफी मजेदार, यानी जोक्स की तरह कि लोग हंसी आए बिना रह नहीं पाते। इनकी पिक्चर आपको हम बता दें, धड़कन जो अक्षय कुमार के साथ इन्होंने किया था और उसमें सुनील शेट्टी भी थे, काफी अच्छी पिक्चर बनी थी और इनका पात्र तो इतना खूबसूरत था जैसे लग रहा था कि बिल्कुल हूबहू शिल्पा शेट्टी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और शिल्पा शेट्टी की ही एक कहानी है। जितनी बखूबी से एक बार, दो बार नहीं, चार बार भी देखिए ना, तो पिक्चर में इतना अच्छा लगता है कि पूछे मत, और किसी को भी उनसे प्यार हो जाएगा। हर दृष्टि में प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज है जो किसी को भी किसी से हो जाता है। वैसे ही राज कुंद्रा की लिया जाए तो दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी और बिल्कुल साफ सुथरी नजर आती थी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरती के पीछे कितनी गंदगी छुपी हुई है। अब हालांकि बहुत कुछ छन कर आया है तो ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो बहुत कुछ हो जाती है, लेकिन कुछ बातें ठहर जाती है और कुछ बातों में इतनी तहकीकात हो जाती है कि वो छन कर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंखों के सामने आ जाता है। 19 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया, 23 तारीख को फिर कोर्ट में इनको डाला गया, रखा गया, इनकी बहस हुई और जो बातें आई इनको ले करके, और 23 तारीख को शिल्पा शेट्टी के घर पर पे पुलिस आई और वहां पे पूछताछ हुई, उनके चीजों को खंगाला गया, लैपटॉप वगैरह अपने साथ लाई, और उसके बाद अब 27 तारीख को फिर उनकी कोर्ट में पेशी होगी। अब देखना है कि बात और आगे कहां बढ़ती है, लेकिन यहीं पे तीन आदमी से आज रविवार को भी पूछताछ हुई है, जिसमें कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग आना जिनको बाकी, जो आउट ऑफ मुंबई हैं, तो वो आएंगे। अब पता चलेगा कि आखिर इसमें कितने लोग इस मामले में थे, इस अश्लील पिक्चर को बनाने के मामले में। आपको हम बता दें कि छोटे छोटे जो इकाई थे वो जुड़ करके एक बड़ा इकाई बना और उसके जो हेड थे वो थे राज कुंद्रा। अभी मुकेश खन्ना जो भीष्म पितामह बने हैं महाभारत में, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि 120% ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि शिल्पा शेट्टी को ये बात पता होगी। हालांकि वो बीच बचाव करते हुए वो थोड़े साइड भी हुए, पूरी तरह दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये आरोप जरूर लगाया है जो हम आप समझ सकते हैं कि कोई भी, यानी कि मुकेश खन्ना ने ये स्पष्ट कहा है कि पहले का जमाना कुछ और था। उनके कहने का जो मतलब था, उनके शब्द नहीं लेकिन मतलब मैं आपको बता रही हूँ, कि उन्होंने यही कहा था कि पहले के जमाने में महिलाएं चूंकि घरेलू हुआ करती थी, पति बाहर क्या करते हैं या घर के मर्द क्या करते हैं ये महिलाओं को पता नहीं चलता था, लेकिन आज के जमाने में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, या जो पत्नी खासकर शिल्पा शेट्टी जो फिल्म इंडस्ट्री में है और ये फिल्म बन रही थी और वो भी उसकी सहपाठी थी, यानी कि भागीदारी थी, यानी वो भी कहिए कि डायरेक्टर बनी हुई थी, तो ऐसे में कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि शिल्पा शेट्टी को ये बात पता न हो कि उनके पति क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक तरफ शिल्पा शेट्टी का ये कहना कि हमको मालूम ही नहीं था कि हमारे पति क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बचाव में कहती हैं कि उसको पोर्न पिक्चर नहीं कहा जा सकता, वैसे तो पिक्चर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद होता है, दिखाया जाता है, जैसा मेरे पति ने बनाए, ये दो तरह की बातें। लेकिन शिल्पा शेट्टी बहुत भाई 23 तारीख को रोई भी पुलिस के सामने और उनको कहते बनाने वाद विवाद भी हुआ पति पत्नी में, ये चीज कि नेचुरली है कि शिल्पा शेट्टी का इसमें कितना हाथ है कहना मुश्किल है, और उनके पति का तो पूरा का पूरा हाथ दिखाई पड़ता है। खैर, आने दीजिए मामला छन करके, तो इस पे ऐसा नहीं लगता कि विश्वास भी उठता जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री पे। एक तरफ ड्रग्स का मामला, दूसरे तरफ इस तरह की अश्लील पिक्चरों को बनाना, और उसमें आपको हम बता दें कि देखिए सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लोग अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी लोड होता है उसको देखने के लिए 199 रुपया मात्र लोग कहते हैं कि ले करके, और इसको आप देखिए जो लोगों को सोचना पड़ जाता है इस 200 रुपया में, यानी 1 रुपये कम, 200 रुपये देने में भी जो एक महीना के लिए होता है, लोग सोचते हैं हम दे कि ना दे,
छोड़िए उसमें क्या रखा है नहीं देखेंगे। और कुछ कुछ ऐसा होता है जो टीवी सीरियल होते हैं, सोचते हैं चलो कल हो करके इस पे फ्री में मिलेगा तो हम देख लेंगे, पैसों का ये महत्व। लेकिन हजारों हजार रुपया सब्सक्रिप्शन पर दे करके और लोग कैसे खरीद लेते हैं एक पिक्चर देखने के लिए, आसर इस बात का लगता है। वो भी कुंद्रा जी के जो हैं, वो उनके जो मेंबर्स बने हुए हैं इस पिक्चर को देखने के लिए, वो करीब 20 लाख लोग हैं। यानी 20 लाख लोग अगर हजारों में टिकट खरीद इनका लेते हैं मेंबरशिप, तो सोच लीजिए कि कितना करोड़ों में ये पैसा चला गया। और उसमें लगभग 121 इन्होंने पिक्चर बनाया है जो अभी पकड़े गए हैं, उसमें लैपटॉप के जरिए या जो भी है, कहीं 51 कहीं कुछ दिस और दैट ये आप देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे भारत में इतनी अश्लीलता अगर परोसी गई, और आज भी हम लोग देख लेते हैं किसी न किसी पिक्चर पर, कुछ भी वेबसाइट उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्लीलता नहीं है। आज अगर मान लीजिए कि ये पिक्चर बना रहे हैं, और जो पिक्चर हम आंखों से देखते हैं टीवी सीरियल में, अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतनी साफ सुथरी टीवी सीरियल को माना जाता है, जिससे बहुत सारा ऐसा संदेश होता है जिसको अपनी जिंदगी में उतारा जाता है, छोटी छोटी बातें, लेकिन तारक मेहता की उल्टा चश्मा में जो बातें हैं वो जिंदगी में उतारने लायक होता है। और आदमी देखे तो थोड़ा सा उसमें से ले लेता है, जो सोचता है कि चलो मेरा समय बर्बाद नहीं किया। हमारा समय तब बर्बाद नहीं जाता है जब हम ये सोचते हैं चलो वहां से कुछ हम ले रहे हैं, चूंकि अपने अपने मतलब का हर लोग वहां से कुछ ले लेते हैं। लेकिन वही आपको बता दे कि जो सोनी जो बनी हुई है, यानी वहां पात्र की बात हम करें कि एक सोनी का, सोनू का जो है भीरे की लड़की, यानी जो मास्टर जी हैं भीरे जी, उनकी जो बेटी है, वो तो दो तीन बेटियां इसमें आ चुकी हैं, उनकी बेटियां को इस दिन आप देखेंगे, जो अभी वो उसमें पात्र नहीं है, लेकिन इसके पहले की बात आप ले लें तो उसमें इस तरह की स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके, वो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है उनको, इतना मैं शर्मसार हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। ये छोटी छोटी बच्ची जो सीरियल में काम करती है, उन बच्चों को कपड़े उतारने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। आखिर पता नहीं इनके पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं, सेलिब्रिटी के तो कोई बात ही छोड़ दीजिए, ये कैसे कैसे दौर से वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद पैसे कमाने का इस तरह धंधा करते हैं। और बहुत लोग आंखों के सामने आ पाते हैं और बहुत लोग तो आंखों के सामने आ भी नहीं पाते। क्या उनके गार्जियन पूछते नहीं होंगे पैसा आखिर कहां से आया? अगर इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, 2 लाख 3 लाख के कपड़े उनके जिस्म पे होते हैं, कहां से लाए? इतनी चीजें आप कहां से ला रहे हो, कहां से गाड़ी ला रहे हो, कहां से देश विदेश का भ्रमण कर रहे हो? क्या एक गार्जियन को नहीं पूछना चाहिए, पेरेंट्स को नहीं पूछना चाहिए, या बड़े भाई बहन को नहीं पूछना चाहिए? जितने भी परिवार के मेंबर्स जो बड़े होते हैं वो तो गार्जियन हो जाते हैं, क्या वो ये फर्ज नहीं होता कि पूछे? नहीं, सब लोग जानते हैं, खुली मिजाज से बोला जा सकता है कि घर में सभी को सब कुछ पता है, लेकिन कहते ना एक आंख बंद कर लेना वही चल रहा है। खैर, खुलकर किताबें सामने आ रही है, एक एक पन्ना पलट रहा है, एक एक पन्ना पढ़िए और समझिए कि ये दूर का ढोल सुहाना जो लगता है वो क्या बाकी सुहाना है? बिल्कुल नहीं, सुहाना नहीं है। कहते हैं ना कि दिन भर मेहनत कीजिए और रात में खाना खा के सो जाइए, वो लगता है इंद्रधनुषी ख्वाब में हम सो रहे हैं। इतनी थकावट आ जाती है कि दिन भर काम करो और सो जाओ, फिर सुबह उठो, चंद पैसे ही कमाओ, लेकिन चिंता तो नहीं रहेगी। अब इस चिंता को देख लीजिए, आधी जो भी जिंदगी आपने जिया, इतनी ऐसो आराम से जिया, उस पैसे को जिया, लेकिन वही पैसा आज आपको कहाँ कटघरा पे खड़ा करके रख दिया, और भविष्य में पता नहीं आपको कितनी साल की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो भी जितने लोग प्यार करते थे आपको, इंडियन के या बाहर के भी, उनके दिमाग में आपकी छवि क्या बनी है ये भी सोचना बहुत महत्व रखता है। दूसरी बात कि अगर सजा हो गई तो कितना कष्टकारक होगा वो चीज़, जहां आप सोते थे, जो जिंदगी आप जीते थे, अब कहां जिएंगे।